गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया एक दिवसीय दौरे पर आज भरतपुर आएंगे और कटारिया यहां संभाग के जिला पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक मिलेंगे। इसमें भरतपुर रेंज के अपराध की समीक्षा की जाएगी। गृह मंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गृह मंत्री कटारिया अजमेर आगरा फोर्ट शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन से भरतपुर पहुंचेंगे और सुबह 11 से लेकर 2 बजे तक रेंज के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेंगे। तो गृह मंत्री कटारिया आज भरतपुर के दौरे पर रहने वाले हैं, साथ ही दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अजमेर आगरा फोर्ट शताब्दी एक्सप्रेस पर भी यहां पर इसी के जरिए पहुंचेंगे। 11 से 2 बजे के बीच में वो रेंज के पुलिस अधिकारियों की बैठक लेंगे, भरतपुर रेंज के अधिकारियों की बैठक लेंगे गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया, और साथ ही किस तरह से अपराध को नियंत्रण करने के लिए पुलिस की क्या कुछ रणनीति है, सभी मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। और 11 से 2 बजे के बीच में बताया जा रहा है कि बैठक होगी और भरतपुर रेंज के पुलिस अधिकारियों की बैठक होगी, साथ ही अपराध की भी समीक्षा की जाएगी। भरतपुर रेंज में जो भी स्थिति बनी हुई है अपराध की, उसको लेकर समीक्षा बैठक होगी। केंद्रीय जल संसाधन मंत्री प्रोफेसर सावरलाल जाट आज से 4 दिवसीय यात्रा पर अजमेर और उदयपुर आएंगे। प्रोफेसर जाट आज सुबह 10 बजे अजमेर आएंगे और 4 बजे नसीराबाद में आयोजित एक बैठक में भाग लेने के बाद सर्किट हाउस अजमेर में रात्रि विश्राम करेंगे और जाट 20 जून को सुबह 10:30 बजे श्रीनगर और 3 बजे पेशांगर में आयोजित बैठक में भाग लेंगे और रात को उदयपुर पहुंचेंगे। 21 जून को सुबह 6:30 बजे उदयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भी भाग लेंगे। 22 जून को सुबह 11 बजे अजमेर आएंगे और बीके कॉल नगर में प्रोजेक्ट एरो के तहत आधुनिकीकरण और नवीनीकृत उप डाकघर का लोकार्पण करेंगे। उधर आरबी द्वारा आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के हमले की चेतावनी के बाद देश भर में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। राजस्थान में भी पुलिस महकमा मुस्तैद है। गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया ने राजस्थान में अलर्ट जारी कर दिया है और राजस्थान पुलिस को संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। गृहमंत्री की माने तो सूबे की पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है और हर स्थिति से निपटने को बिल्कुल तैयार है। प्रदेश में अगस्त में होने वाले निकाय चुनाव की तैयारी में बीजेपी जोर शोर से जुट गई है। इन तैयारियों को लेकर 20 जून को प्रदेश बीजेपी मुख्यालय में एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और सीएम वसुंधरा राजे आने वाले निकाय चुनावों की तैयारियों को लेकर संगठन स्तर पर रणनीति तैयार करेंगे और बैठक में संबंधित जिलों के सांसद, विधायक, जिला अध्यक्ष और चुनाव प्रभारियों को बुलाया गया है। परनामी ने संबंध में गुरुवार को सीएम वसुंधरा राजे से भी मुलाकात की। परिणामी की माने तो इन चुनावों के लिए 126 पालिका चुनाव प्रभारियों की नियुक्तियां कर दी गई हैं, जो कि 20 जून की बैठक में तय हुई। रणनीति के हिसाब से क्षेत्र में काम शुरू कर देंगे। अरे निकाय के चुनाव आने वाले हैं अगस्त में, मैं उस सिलसिले में आज भी मिला था और हमने एक बैठक हमारी तय की है कि 20 तारीख को हम बैठक करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे जितने हमने प्रभारी लगाए वो प्रभारी उपस्थित रहेंगे, जिलाध्यक्ष रहेंगे, विधायक रहेंगे, सांसद रहेंगे। आगामी नगरपालिका चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, प्रभारी गुरदास कामत और नेता प्रतिपक्ष सहित तमाम कांग्रेस नेता फतेहपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर पालिका चुनाव में हिस्सा लेने की बात कही गई। और सूत्रों की माने तो फतेहपुर में पूर्व विधायक भवरू खां के निधन के बाद कांग्रेस अलग अलग खेमे में बटी हुई नजर आई, जिसमें पार्टी को आने वाले चुनाव में नुकसान का सामना न करना पड़े, लिहाजा खुद पीसीसी अध्यक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश का संचार करने पहुंचे। सीएम राजे ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में जयपुर विकास प्राधिकरण की परियोजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सर्कल से राजमहल पैलेस चौराहे तक और अंबेडकर सर्कल से सोडाना तक नई एलिवेटेड सड़क बनाने के निर्देश दिए हैं। वहीं दुर्गापुरा में बन रही एलिवेटेड सड़क के कार्य को जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इन सड़कों के बनने से शहर में जाम की समस्या नहीं होगी। सीएम राजे ने कहा कि एलिवेटेड सड़क बनाते समय शहर को खूबसूरत बनाने का भी काम होगा और वहीं पर बावड़ियों के विकास के लिए भी 4 करोड़ रुपए का बजट नगर निगम को दिया गया है। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के अधिकारियों को रोज गार्डन को और खूबसूरत बनाने और रिंग रोड के कार्य को तय समय में पूरा करने के भी निर्देश दिए। बीजेपी मुख्यालय में मंत्री दरबार लगाकर सरकार के 3 मंत्रियों ने पार्टी के आम कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी और समस्याओं के हाथों हाथ समाधान का प्रयास भी किया। मंत्री दरबार में तबादलों की अर्जियां कमाई, लेकिन पुलिस प्रशासन और गृह विभाग से जुड़े मामलों की भरमार रही।
करीब 50 शिकायतें और परिवेदनाएं दर्ज की गई हैं। सुनवाई कार्यक्रम में सबसे खास बात ये रही कि समस्याओं को लेकर कार्यकर्ताओं की भीड़ सबसे ज्यादा गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया के पास नजर आई। ट्रांसफर का जो एक तरह से भार रहता है वो कम हुआ है और ट्रांसफर भी विशेष करके मेरे विभाग के आए, थोड़े बहुत टीचर्स के आए हैं तो वो हमने संबंधित को भेजे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे काम आए जिससे संतोष मिला, जैसे अनुकंपा नियुक्ति है। अब उसका केस बिल्कुल फाइनल स्टेज पे पड़ा है, मैंने सेक्रेटरी गुप्ता जी से बात की, मैंने कहा भी इसका केस निपटा हो, तो मैंने उनको तुरंत उनके साथ भेजा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश भर में होने वाले योग कार्यक्रमों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर विभाग ने 9,900 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर ट्रेड योग शिक्षकों की नियुक्ति कर दी है और इसके अलावा सभी जिलों में योग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट बैठकें कर पूरी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। 21 जून को जयपुर के SMS स्टेडियम में होने वाले योग कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें CM वसुंधरा राजे की वो भी मौजूद रहेंगे और इस योगाभ्यास 30,000 के लोग इस करीब बताया जा रहा है कि इकट्ठा होंगे। योग को लेकर चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौर का कहना है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा संस्थानों में नियमित रूप से योग हो और इसके लिए राज्य सरकार जल्द ही नीति जारी करेगी। 9,900 ग्राम पंचायत मुख्यालय पर प्रशिक्षित योग शिक्षकों की नियुक्ति हमने कर दी है। राज्य स्तरीय इस कार्यक्रम के अंदर श्री कुलभूषण बेराठी जो राज्य समन्वयक है पतंजलि योगपीठ के, वो इसकी अगुवाई करेंगे जिसमें माननीय मुख्यमंत्री उपस्थित रहेंगी। जयपुर में हुए यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने फ्लॉप शो करार दिया है। परनामी के मुताबिक सरकार के खिलाफ यूथ कांग्रेस के राज्य स्तरीय प्रदर्शन में महज 40 कार्यकर्ता ही जुट पाए, जो इस बात का संकेत देते हैं कि कांग्रेस के भीतर एकजुटता नहीं है। परनामी के मुताबिक कांग्रेस आधारहीन मुद्दों को लेकर आंदोलन करती है जिसमें न तो उसके कार्यकर्ताओं का पूरा साथ मिल पाता है और न ही जनता का। 40 लोगों का आज जुलूस था, इसे आप सड़कों पर उतरना कहते हैं? आज हर इंसान, हर आदमी समझदार है, वो हर मुद्दे को समझता है कि किस मुद्दे में क्या दम है। इसमें किसी प्रकार का कोई दम ही नहीं है, निराधार आरोप है। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरेंद्र सिंह राजा बरार ने PCC में प्रदेश अध्यक्ष यानी कि प्रदेश भर के यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कार्यक्रम किया और कार्यक्रम के दौरान अमरेंद्र सिंह राजा ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं से बवाल यहां पर सवाल और जवाब के साथ ही संगठन में चली आ रही कमियों को दूर करने और निष्क्रिय पदाधिकारियों को हटाकर नए पदाधिकारियों की जल्द ही नियुक्तियां करने के भी संकेत दिए गए। सर कुछ नहीं है, मेरे को नहीं लगता है, लेकिन कहीं कमजोरी होगी तो उसी के ऊपर आज हमने चर्चा भी रखी है, जो कमजोरियां होंगी वो दूर की जाएंगी। चुनाव के माध्यम से अशोक चांदना आपके सामने आया। प्रदेश में जल्द ही थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के तहत 20,000 पदों के लिए रीट एग्जाम की विज्ञप्ति जारी की जाएगी, लेकिन अभ्यर्थियों के सामने रीट एग्जाम को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि रीट की विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं की गई है, न ही इसमें राजस्थान का GK शामिल किया गया है, जिसके चलते अभ्यर्थियों को रीट एग्जाम को लेकर खास असमंजस है। बहरहाल मामले को लेकर अभ्यर्थियों ने एक बैठक की रैली भी निकाली है। अभ्यर्थी बीजेपी कार्यालय में गृहमंत्री गुलाबचंद कटारिया से मिले, अपनी परेशानी बताई, जिस पर गृहमंत्री ने उन्हें आश्वासन भी दिया। गृहमंत्री जी से मुलाकात हुई, गृहमंत्री जी ने कहा कि आप इनका विस्तृत ब्यौरा दो, जो मांगे हैं वो वाजिब मांगे होंगी, तो हम शिक्षा मंत्री से मिलेंगे, प्रतिनिधि आपको मिलाएंगे, बैठ के इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज ही डेट दी जाएगी कि अगली मुलाकात कब होगी। जिस दिन मुलाकात होगी उस दिन यदि हमारी वैध मांगे नहीं मानी गई तो हम ये आज चेतावनी देना चाहते हैं कि ये आंदोलन उग्र प्रदेशव्यापी होगा। सादुलपुर में एक दलित परिवार पर दबंगों ने जमकर कहर बरपाया है। पूरा मामला ठेमाऊ बड़ी गांव का है, जहां एक दलित परिवार के साथ पहले तो जमकर बसल उठी थी, महिलाओं से अभद्रता की गई। आरोप है कि महिलाओं के दबंगों ने कपड़े तक फाड़ दिए, यही नहीं लाठी से पीट पीट कर लोगों को अधमरा कर दबंग फरार हो गए। हमले में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गंभीर रूप से चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया। बताया जा रहा है कि विवाद पोल्ट्री फार्म बनाने को लेकर हुआ। बहरहाल हमला ये पूरा का पूरा मामला हमीरवास थाने में दर्ज हुआ है। पूरे मामले के DSP जांच कर रहे हैं।
उधर चुरू से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। तिरपाली बड़ी गांव के दो दबंगों ने दलित नाबालिग के युवक के साथ कुकर्म करने की कोशिश की। जब युवक ने इसका विरोध किया तो पहले युवक को दोनों दबंगों ने बेरहमी से पीटा और फिर हाथ के नस काट दिए। नशे में धुत दबंगों ने युवक को मृत समझ वहां से भाग निकले। पीड़ित दलित युवक को कुछ रेवड चराने वाले बच्चों ने अधमरी हालत में एक सरकारी भवन में देखा और पीड़ित के घर वालों को सूचना दी। पीड़ित के परिवार वालों ने उसे राजगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे राजकीय भर्ती अस्पताल में रेफर कर दिया गया। मामला सामने आने के बाद पीड़ित युवक के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने एक आरोपी को पकड़कर कुछ देर बाद छोड़ दिया, जबकि दूसरा अभी भी फरार है। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर केस को रफा दफा करने का भी आरोप लगाया। गुरुकुल की नाबालिग छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोप में जोधपुर जेल में बंद आसाराम की जमानत याचिका पर पैरवी करने के लिए शुक्रवार को बीजेपी नेता डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जोधपुर आएंगे। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। स्वामी ने अपने अकाउंट से ट्वीट कर कहा है कि 19 जून को आसाराम की जमानत पर पैरवी के लिए जोधपुर में होंगे। हालांकि ये मुश्किल काम है, लेकिन भगवान पर भरोसा है। वहीं दूसरी ओर गुरुवार को जोधपुर कोर्ट में पेशे के दौरान डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के आने के बारे में आसाराम ने भी संकेत दिए। आसाराम से जब इस संबंध में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने भी सुना है कि वो आने वाले हैं, हो सकता है कि वो कल यहाँ आए। बता दें कि आसाराम की जमानत याचिका पर गुरुवार में भी उनके वकीलों ने बहस नहीं की, वे इस याचिका पर बहस को शुक्रवार को टाल गए। आसाराम वाले प्रकरण में गवाह मुक्ता पारिश सब इंस्पेक्टर के बयान अधूरे रहे हैं, जो कल वापस जिम से जुड़े होगी और बेल एप्लीकेशन कल आएगी। अलवर में सरकारी अस्पताल में प्रसूताओं को खून चढ़ाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। मामला महिला अस्पताल से जुड़ा है, जहां पर प्रसूताओं को खून चढ़ाए जाने के बाद दो महिलाओं की तबीयत बिगड़ गई। प्रसूताओं के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर संक्रमित खून चढ़ाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे लोगों को थाम लिया। पीड़ितों के परिजन पुलिस कार्रवाई से डरे हुए हैं, तो वहीं पर अस्पताल प्रबंधक खून से इन्फेक्शन होने को सामान्य बता रहा है। लेकिन जब भी संभावनाएं होती हैं एडवर्स रिएक्शन की, नहीं इस तरह का ब्लड इशू होने में इस तरह की कोई कमी नहीं रही है। यहाँ से मरीज का जो ग्रुप था उसी के अनुसार उसे ब्लड इशू किया गया, क्रॉस मैच करके ब्लड इशू किया जाता है। क्रॉस मैच में फिट आता है, जब इशू किया जाता है उसकी रिपोर्ट भी बना के दी जाती है कि क्रॉस मैच फिट है। वो दोबारा अगर उसकी रिएक्शन होती है तो उसका पेशेंट का ब्लड दोबारा आता है, जो रिक्रॉस मैच के लिए आता है। कभी किसी कंडीशन में हो सकता है कि रिक्रॉस मैच में कोई दिक्कत हो, इसलिए दोबारा आता है। लेकिन जब रिक्रॉस मैच किया वो भी फिट था, इसमें यहाँ से कोई दिक्कत नहीं थी। अब ब्लड लाने के बाद में हमने अपने मेरी मिसेज थी खुद उनको जब ब्लड चढ़ाया तो आधा ब्लड चढ़ाने के बाद उनको भी उसके बाद में लगभग 30% वो ब्लड अंदर बॉडी में गया था। उसके बाद में उसको खुजली होने लगी और चक्कर से आने लगे, तब हमने डॉक्टर को उधर जो नर्सें थी उनको बताया कि ऐसा हो रहा है, तो उन्होंने वो ब्लड बंद कर दिया और ब्लड बंद करने के बाद एक इंजेक्शन भी दिया था। बयाना के सरकारी अस्पताल में मरीजों को मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का लाभ नहीं मिल पाया। दरअसल समय पर निशुल्क दवाओं के अकाउंट नहीं खोले जाने से मरीजों को दवाई नहीं मिल पाई, जिसके चलते मरीजों को बाजार में महंगी दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। वहीं निशुल्क दवा वितरण केंद्र के प्रभारी के माने तो ड्रग स्टोर से सप्लाई लेट आने की वजह से परेशानी हो रही है। दवा काउंटर प्रभारी का कहना है कि 16 जून को भरतपुर से दवा आ चुकी है, लेकिन 18 जून के बाद ड्रग स्टोर से निशुल्क दवा वितरण केंद्र पर दवा नहीं पहुंचाई गई, जिसके बाद मरीजों को बाजार से दवा लेनी पड़ी। करौली में एसीबी ने एडीजे के अपर लोक अभियोजक को 2000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया है। एसीबी ने आरोपी के पास से रिश्वत की रकम भी बरामद की और जानकारी के मुताबिक आरोपी लोक अभियोजक बलवीर सिंह चौहान ने एक रेप केस को लेकर विजय सिंह बाली से रिश्वत मांगी थी और शिकायत मिलने पर पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी को रोडवेज बस स्टैंड के पास रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी इससे पहले 8000 की रिश्वत भी ले चुका है। फिलहाल एसीबी आरोपी से पूछताछ कर रही है। वो बार बार जब जाता हूँ तो भी 2500 मांगते हैं, कहते हैं अब आने वाले केस में तालीम में सजा कराऊँ, उसके खिलाफ में 2500 रुपया नहीं जाता कार्रवाई करी। इस पर हमने वेरीफिक करवाया, 500 रुपये तो मौके पर लिया वेरीफिक टाइम पर, 2000 रुपये उन्होंने आज बस स्टैंड पर उनसे लेकर अपने पेड़ की जेब में रखे, अरेस्ट किया, बरामद किया, कैसे कार्रवाई करी। अजमेर में किशनगढ़ के अराई इलाके में एक व्यक्ति से रिश्वत लेने के आरोप में एसीबी ने कनिष्ठ तकनीक सहायक और ग्राम सेवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गिरफ्तार जेटीए ने एक ठेकेदार से
मेजरमेंट जम्बो को भरने के लिए 5,000 की रिश्वत मांगी थी, जबकि ग्राम सेवक ने बर्खास्त करने के बदले में 5,000 रुपए मांगे थे, जिसकी शिकायत ठेकेदार ने एसीपी से की थी। शिकायत पर एसीपी ने दोनों रिश्वतखोरों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया। दोनों आरोपियों को रिश्वत की रकम देने के लिए अलग टाइम और अलग जगह मुकर्रर हुई। ठेकेदार ने जैसे ही रिश्वत की रकम दी, एसीपी की टीम ने आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दोनों के मकानों की तलाशी और बैंक खातों की जाँच होगी। कल वेरिफिकेशन कराया गया। वेरिफिकेशन के उपरांत आज इन दोनों के खिलाफ कार्रवाई करी, जिसमें जेटीए का नाम शंकरलाल जांगीड है, जो जेटीए है, उसने एमबी भरने के एवज में 5,000 रुपए की डिमांड करी। रहा फर्जी पुलिस से निरीक्षक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे पूछताछ कर रही है। दरअसल बीती शाम आरोपी पुलिस वाला बन ट्रैफिक का कंट्रोल कराते हुए वाहन चालकों की वसूली कर रहा था कि तभी संजय सर्किल पुलिस का दस्ते कल वहां पहुंचा और आरोपी से उसका आईडी कार्ड मांगा। असली पुलिस वालों को देख आरोपी इसक पका गया, जिसके बाद पुलिस उसे थाने ले आई। आरोपी का नाम बाबूलाल पवार है, जो कि नागौर के पीलवा गांव का रहने वाला है। पुलिस को आरोपी के पास से दो फर्जी आईडी कार्ड भी मिले हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। चेतक को गश्त के दौरान ये संजय सर्किल इलाके में पुलिस निरीक्षक की वर्दी लगा करके घूमता हुआ पाया गया था, जो वाहनों आने जाने में वाहनों को टोका रोका टोकी और कर रहा था, जिस पर हमारे चेतक प्रभारी ने इसको रोका, नाम पता पूछा, कहाँ पोस्टिंग है कहाँ नहीं है, तो ये कोई जवाब नहीं दे पाया, जिसके आधार पर इसको थाने में पूछताछ करने लेकर आए, तो फर्जी पुलिस इंस्पेक्टर बन करके। और ये देरवाना नगर पालिका के आरोपी जेएन ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने जेएन को पुलिस रिमांड पर सौंपा। दरअसल जेएन पर आत्महत्या करने के लिए उकसाने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक नगर पालिका के ठेकेदार शेर असलम खान ने पिछले साल 29 दिसंबर को आत्महत्या कर ली थी। सोसाइटी नोट के आरोपी जेएन भोलाराम पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया था। ठेकेदार ने अपनी मौत के लिए जेएन को जिम्मेदार बताया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी भोलाराम ने राजस्थान हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था, जिस पर कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। साथ ही उसे 3 हफ्ते के भीतर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में समर्पण कराने के आदेश दिए। लिहाजा आरोपी भोलाराम ने डीडवाना में जज की छुट्टी पर होने के चलते परबत्सर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। अगर आप इस साल पटवारी भर्ती से संबंधित सूचना पढ़कर इसके लिए आवेदन कर रहे हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये भर्ती फर्जी बताई जा रही है। जी हां, संबंधित वेबसाइट पर पटवारी पदों के लिए वैकेंसी की सूचना राजस्व विभाग ने भ्रामक करा दी है। राजस्व मंडल ने इसे गंभीर मानते हुए अज्ञात के खिलाफ पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया। राजस्व मंडल के निबंधक की माने तो इंटरनेट पर राजस्व मंडल के नाम से पटवारी परीक्षा के 4,000 पदों पर भर्ती की जानकारी दी गई, जो कतई भ्रामक है। इस संबंध में राजस्व मंडल प्रशासन ने उक्त वेबसाइट के खिलाफ FIR दर्ज करा के मुकदमा करा दिया है। हनुमानगढ़ के गांधीनगर के पार्षद के घर पर हुए हमले के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को पंजाब के भटिंडा से पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि 3 महीने पहले हनुमानगढ़ के गांधीनगर के मौजूदा पार्षद परमजीत सोनी के घर करीब 15 युवकों ने देर रात को हमला कर दिया था। हमले की सारी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। हमले के अधिकांश आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। बाकी बचे 3 आरोपियों को भी पुलिस जल्द गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। बसी में बुलेरो कार की रफ्तार का कहर बरपा। बुलेरो कार चालक ने अलग अलग 4 बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार लोग घायल हो गए हैं, जिन्हें आनंद फालन में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बाइक सवारों को टक्कर मारने के बाद बुलेरो ड्राइवर मौके से फरार हो गया। घटना से गुस्साए लोगों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं जयपुर आगरा हाईवे पर सड़क हादसे के बाद जाम लगा दिया। नाराज लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस को हादसे की जानकारी दी गई, फिर भी वो देर से पहुंची। भरतपुर में आयोजित एक शादी समारोह में भाग लेने जा रहे 3 युवक कामा कस्बे में सड़क हादसे का शिकार हो गए। हादसा उस वक्त गांव के पास हुआ, जहां पर मौके पर मौत हो गई एक की, और बताया जा रहा है कि बाइक सवार इन युवकों में से 2 सगे भाई थे और एक उसका दोस्त था। तीनों पर इस भीषण सड़क हादसे का असर हुआ है। हादसे में जहां एक की मौत हो गई, तो वहीं पर 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया। यह हादसा एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से हुआ। भरतपुर के जीवन निर्माण संस्थान के पास झाड़ियों में एक अधेड़ का शव मिला है और सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची मथुरा गेट पुलिस ने आसपास के लोगों से मृतक के शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन काफी कोशिशों के बाद भी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई। लिहाजा शव को RBM अस्पताल के मौशी में रखवा दिया गया है। इधर पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी है कि मृतक की हत्या कर शव झाड़ियों में फेंका गया या फिर किसी दूसरी वजह से उसकी मौत हुई। बहरहाल पुलिस मृतक की पहचान के आधार पर उसके परिजनों की भी तलाश कर रही है।
श्रीगंगानगर के आस्था हॉस्पिटल में भर्ती एक लड़की की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। लड़की की मौत के बाद परिजनों ने जमकर श्रीगंगानगर के आस्था अस्पताल में भर्ती एक लड़की की संदिग्ध मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ करते हुए अस्पताल के बाहर धरना दिया और इलाज में लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। परिजनों का आरोप था कि स्टाफ ने मेडिसिन का ओवर डोज दे दिया, जिसके चलते लड़की की मौत हो गई। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, परिजनों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि हंगामा और तोड़फोड़ करने वाले परिजनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। अलवर में एक संदिग्ध महिला को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। उक्त महिला कोतवाली थाना इलाके के बजाचा बाजार में एक ज्वेलरी की दुकान में घुसी और काउंटर टटोलने लगी। इतने में दुकानदार आया तो महिला चुपचाप बैठकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। जब दुकानदार ने पूछा तो वो हंगामा करने लगी। इस पर दुकानदार ने पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला जोर जोर से हंसने लगी और पुलिस ने महिला पुलिस के सहयोग से उसे गिरफ्तार कर थाने ले गई। पूछताछ में महिला ने बताया कि वो तिजारा से अलवर आई थी और बाजार में बने मंदिर पर पूजा करने गई थी। उसका चोरी करने का कोई मकसद नहीं था। दुकान पर बैठ गई तो लोगों ने चोरी का इल्जाम लगा दिया। महिला मानसिक रूप से कमजोर भी बताई जा रही है।